बहुत सारे लोग होते हैं पीओपी छत में नहीं कराते, जैसे फॉल्स सीलिंग बना दिया लेकिन यहाँ पे पीओपी नहीं कराई। देखिए हम उधर भी दिखाते हैं, आप देखो जैसे ये देखिए यहाँ पर फॉल्स सीलिंग बना है, इधर बना है, ये देखिए बीच में से हमने इसको बिल्कुल साफ कर लिया है। वाली रेगमाल जो मीटर वाली होती है उससे अगर नहीं होता है तो पत्ती से ऐसे उखाड़ देंगे, अब इसमें वॉल पुट्टी अच्छे से पकड़ लेगा। ये प्लास्टर है, इसमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो पीओपी गिरा है इसको साफ करो, इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। ये जो पुराना पेंट है इसे निकालना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा निकाल के आपको दिखाते हैं, जो पुरानी पेंट है इसको हटाना पड़ता है पेंट करने से पहले, तो देखिए किस तरीके से हटाएंगे। यहाँ तो ये आसानी से निकल जा रहा है, ये देखिए इस तरीके से, और ग्लव्स जरूर पहन ले हाथ में ऐसे। ये देखिए काट के हो या ब्रश के हो या फिर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पुराना पेंट हटाएंगे नहीं तो इसमें वॉल पुट्टी करेंगे तो वो निकल जाएगा। प्लास्टर थोड़ा ऊंचा है और ये थोड़ा नीचा है, ठीक है। ये जो पेंट हम हटा ले रहे हैं अब ये थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, अब इस जगह को हम क्या करेंगे, वॉल पुट्टी और पीओपी थोड़ा मिक्स करके ऐसे कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करके आप कर सकते हैं। ये देखिए ये छत दिखाओ, ये देखो उधर उतना बाकी है, इधर ये हो चुका है, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। सीलिंग ये पेंट है, इसको आप निकाल के वॉल पुट्टी करने के बाद अगर ज्यादा फिनिशिंग चाहिए तो ऑयल बेस्ड प्राइमर लगा के उसके ऊपर आप चॉकलेटी की पक्की पुट्टी कर सकते हैं, तो जबरदस्त हो जाएगा। तो जो ऊंचा नीचा दिखाई देता है पीओपी बिरला पुट्टी से आप फिल कर दीजिए पहले, उसके बाद पूरे में पुट्टी के इस तरीके से करना। जेके वॉल मैक्स, इसमें 40 रुपए का टोकन निकलता है, ये 20 kg का है। पेंट निकालेंगे और ये नया प्लास्टर है, जब इसको फाड़ेंगे तो यहाँ थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा, तो यहाँ पर पीओपी वॉल पुट्टी मिक्स करके बराबर करेंगे, उसके बाद इसको पूरे में जेके वॉल पुट्टी कर देंगे, जेके वॉल मैक्स।
यूपी वाला इतना बदमाश है, टच भी ठीक से नहीं लगाया, देखा सारा निकल गया। इसके बाद दो बारी पुट्टी हो जाएगा जबरदस्त। कितनी बदमाशी करी, इतना सा टैग लगाने से कभी रुकता, और यहाँ तक भी वो भी मार दिया। बिल्ला कुत्ते की यूपी बनाओ, जितना बनाया था उतना फिर बनाओ। ये सारे जॉइंट मिला के पीओपी बोल पुट्टी से, इसके बाद पूरे में एक पुट्टी खेल। उसके बाद दो कोट पूरे में और खाली बॉल पुट्टी से करेंगे तो कभी क्लियर नहीं होगा। पीओपी मिलेंगे सारे उसे नीचे ना खत्म। पीओपी बॉल पुट्टी से पहले बराबर कर लिया, पुराना पेंट भी सारा निकल गया। अभी आप कर सकते हैं इसको, सब इस तरीके से मिलाया जाएगा। अब हम थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको सिंगल। इस तरह से आप पहले एक सिंगल कर लीजिए, इसके बाद जब फूल जाए पुट्टी लगा के डबल कर लीजिए। इस तरह कैसे भी खींचे, जब ये सूख जाए तो एक बार पत्ती जरूर लगा लीजिए। इस तरीके से डबल कोट में आप इस कटिंग में उंगली से भर सकते हैं। देखिए ना सिंगल हो चुका है, तो अच्छे से पत्ती लगा लीजिए दीवार में। पत्ती लगाने के बाद इस कटिंग को झाड़ लीजिए, जैसे देखिए झाड़ लिया अच्छे से। ये जो गिला गिला लग रहा है ना आपको, ये डबल हो चुका है। अब ये नीचे हम थोड़ा सा आपको डबल कर देंगे। अगर आप पत्ती लगा लेंगे देखिए कहीं एक स्क्रेच का निशान तक नहीं है। ये किस तरीके
देखिए डबल हो जाने के बाद एक स्क्रेच आप नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए पत्ती लगा के अगर आप इसमें पुट्टी करेंगे, ये देखिए यही देखा दीजिए, ये देखिए ये डबल हो चुकी है, ये सिंगल है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें सिंगल पुट्टी हो जाने के बाद ये पत्ती लगना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो ऊंचा नीचा रहता है इसको हटा दे पहले इस तरीके से, तब डबल करें ताकि डबल करते समय एक भी स्क्रेच ना ऐसा दिखाई दे एकदम इस तरीके से, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखें, मैं बार बार यही बोलता रहा हूँ। ये देखिए ग्लव्स पहन के करें या तो उंगली पहन के आप ऐसे भर सकते हैं इस काटिंग, ठीक है इस तरीके से। देखिए कितना जबरदस्त बाइट हो जाता है अगर आप पत्ती नहीं लगाएंगे। ये जो देख रहे हैं ना उबड़ खाबड़ पास से देखो, तो जब आप डबल करेंगे तो यही दाने डबल पुट्टी में आ जाएंगे। देखिए कितना आवाज कर रहा है ना, इसी वजह से। अगर पत्ती लगा के बढ़िया लग जाए तो एक स्क्रेच तक नहीं है इसमें। ये इसका यही कारण है कि डबल करने से पहले आप चाहे एक लेवर लगे, दो लगे, तीन लगे, आप पहले इसको अच्छे से पत्ती लगवा लीजिए नीचे ऊपर और पूरा स्कर्टिंग साफ करिए, उसके बाद डबल पुट्टी कीजिए। पीओपी और बॉल पुट्टी मिक्स करके आप स्कर्टिंग कर सकते हैं। इसमें पीओपी भी है बॉल पुट्टी भी है, 75% बॉल पुट्टी 25% पीओपी। डबल पुट्टी हो जाने के बाद स्कर्टिंग को कैसे करेंगे पास से देखा होता है उनको पता लगेगा। पीओपी के ऊपर डायरेक्ट पुट्टी कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए कर सकते हैं, हमने करवाया। उधर का भी दिखा दो, खाली एक ही कहीं नहीं, इसका भी देख लीजिए। अब इसमें भी करेंगे, ये हल्का गीला है थोड़ा सा सूख जाने दीजिए, इसमें भी कर देंगे बीच में। बॉल पुट्टी अगर पीओपी में पकड़ ले तो वो बहुत मुश्किल से कटाई होती है, इसीलिए जो दिक्कत वाली जगह पर है उसमें कम से कम आप लगाएं। जैसे कॉर्निश हो गया या इसका कॉर्निश हो गया उसमें ना ही लगाए तो बेहतर है। ये वाली चल देगी, इसमें भी हमने बॉल पुट्टी करवाई। और जिसके ग्रुप है ध्यान रखें कि मोटा मोटा माल ना छूटे ताकि रेगमाल लगाते वक्त आपका आसान हो। इस तरीके स्कर्टिंग वगैरह दिखाओ कितनी फिनिशिंग है। देखिए डबल पुट्टी हो जाने के बाद ऐसे स्कर्टिंग भी भर दीजिए, इतना जबरदस्त होता है ऐसे हर जगह। हाइजर का गेट लगे या पॉलिश वाली लगे चॉकलेट, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे पहले बॉल पुट्टी पीओपी मिक्स करके आप इसके ऊंचे नीचे को ठीक कर सकते हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद स्टाइल को गैप को भर दीजिए बढ़िया से। देखिए कितना सुंदर हुआ है, इसकी धार देखिए कितना जबरदस्त, इस तरीके से बना दीजिए फर्स्ट क्लास करके एकदम। उसके बाद बॉल पुट्टी एक बार पतला करके खेल दो, टाइल का गैप पूरा भर दीजिए। स्मूथ हो गया, अब इसमें सैंडिंग होगी कितना जबरदस्त हो जाएगा। कैसे भी खींचिए बस फिनिशिंग देना है। आप लोग कहते हैं ना जो हम पीओपी के ऊपर डायरेक्ट खींच सकते हैं कि नहीं, देखिए खींच सकते हैं इस तरीके से ऐसे। अब ये सूखने के बाद वाइट हो जाएगा। इस तरीके से करना है, ये नहीं कि उबड़ खाबड़ करके करना है। ये देखिए जहां रुकना है, देखिए ऊंचा नीचा है ना कितना, क्योंकि अंधेरे में तो पीओपी पहल देते हैं, बस देखते तो है नहीं कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है। ये देखिए कितना उबड़ खाबड़ है ना, ये देखिए ये सब जगह माल रुकता है, प्लेन हो जाता है।
इस तरीके से लोग कहते हैं ना पीओपी के ऊपर डायरेक्ट बॉल पुट्टी नहीं हो सकती और बहुत ही बेहतरीन होता है ये। चौक मिट्टी से तो अच्छा ही होता है, चौक मिट्टी अगर ज्यादा मोटा चढ़ेगा तो वो फट जाता है। चौक मिट्टी होता है सिर्फ बारीक काम के लिए, मान लीजिए हल्का फुल्का अगर कमी हो उसको छुपाने के लिए, लेकिन अगर ज्यादा ऊंचा नीचा हो तो चौक मिट्टी कामयाब नहीं होता इसके लिए, क्योंकि उसमें डालते क्या है आप लोग, पेंट ही तो डालते हैं। जहां मोटा चढ़ेगा वहां सूखने के बाद वो सिकुड़ जाता है, फट जाता है। देखिए पीओपी के ऊपर इस तरीके से आप उंगली से थोड़ा ऐसे कर दीजिए, यहां से बाद में करेंगे तो टूट जाएगा। इसमें भी हम बॉल पुट्टी कर सकते हैं। इसमें कैसे कर सकते हैं, ऐसा रखिए इस तरीके से। इस तरीके से धार बना दें। आप लोग कहते नहीं है कि बॉल पुट्टी हो सकती है, देखिए इतना जबरदस्त हो गया, इत्मीनान से शांति से करोगे सब कोई जल्दीबाजी नहीं। देखिए जबरदस्त हो गया, हल्का सेंडिंग कीजिए, प्राइमर कीजिए।
देखो कितना जबरदस्त फिनिशिंग है, स्क्रेच भी नहीं है, देखा ऐसे मस्त करके। मेरा मकसद आप लोगों को सिखाना, सीखो जितना सीखना चाहिए इस तरीके से। देखा पीओपी को ऊपर ये अर्च बना था, इसमें भी हमने खींच के आपको दिखा दिया। चार इंच या छः इंच का जो पट्टी है और ये छत का जो ग्रुप होता है ये नीचे से दूर से दिखाई देता है, इसलिए इसको जरूर फील करें अच्छे से। इधर वाला भी दिखाओ और इधर वाला भी, ये देखिए ये जो ग्रुप होते ना थोड़ा, क्योंकि यहाँ जब लाइट जलेगा तो ये बहुत बेकार लगेगा, इसलिए इसको जरूर फील करें।